Dear students, so today I am going to explain the concept of how to convert any decimal number into a binary number. Okay, so please before going to the concept, please subscribe my channel Anu Computer Education. So gateway to success. Please subscribe my channel Anu Computer Education. Please like, share, and subscribe. So whatever the videos I am going to make in future, that immediately will get a notification regarding my new videos. Please, you can go through with my videos, learn the concepts, and score more marks in final exam. Okay, so directly I'm going to the concept. So what is the meaning of how to convert any decimal number into binary? So that I'm explaining with one simple example program, example problem. So the question will be like this. This is which concept I'm explaining? Decimal. Okay, decimal to binary. Decimal to binary concept I'm explaining. So how to convert from any decimal number into binary. So directly I'm taking the convert. So you take your own problems here. I'm taking my own problem here. Convert 42 in decimal. Okay, is equal to what in binary. So before, earlier also we have done this kind of problems. So now we are going to the concept called as, so जो भी question आपको दिया वो question क्या करना, एलसीएम करना 42. किस से एलसीएम करना, किस में कन्वर्ट करना है, कि आपको डेसिमल से लेके बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बाइनरी का नंबर क्या है यहाँ पे, 2 है. जो भी यहाँ पे 2 है ना, इसको क्या करना, 2 से एलसीएम करना. ओके, 2. जो भी एलसीएम करने के बाद जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, वो रिमाइंडर्स को नोटेट करना. सो सपोज एग्जाम्पल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो रिमाइंडर कुछ आया क्या, नहीं है रिमाइंडर. जरूर सर, ये कैसा है बोलते हो, सपोज 42 को डिवाइड करो 2 से आप, 2 2 जा 4, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 0. यहाँ पे बचा क्या है, 2. तो ये बचा से यहाँ पे निकल दिया. तो नेक्स्ट क्या है, 2 1 जा 2, आंसर क्या बच रहा, 0. तो ये रिमाइंडर ही मैं यहाँ पे लिखा. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे बचा क्या आपको, 21 है. तो इसको फिर से फर्दर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, और क्या है ये, 2 1 जा 2 हो गया ना, और ये 0. 2 10 जा 20 है ना, 2 10 जा 20, बच रहा कितना, 1. तो एग्जाम्पल आपको, आपके पास 21 है ना, आपको 2 से डिवाइड करो, 2 10 जा 20, बच रहा क्या यहाँ पे, 1. यही 1 मैं यहाँ पे लिखा. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, 2 5 जा 10, कुछ बच रहा क्या, नहीं है, 0. नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 है, मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 है ना, एक नंबर बच रहा वो लिखना. सो नेक्स्ट क्या है, 2 1 जा 2, कुछ बचा क्या, नहीं है. तो ऐसा पूरा करने के बाद नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीचे से ऊपर नंबर्स को लिखना है. आपको क्या लिखना है, 1, ओके, 0. सो ये 1 0, उसके बाद 1 0 1 0, नेक्स्ट इसके बाद 1 0. सो इसमें सबको 1 0 1 0 आया, तो इसका मतलब ये. ओके, तो इसका मतलब, बोलने का मतलब, 42 in decimal is equal in binary number is this one. So समझ में आया ना, क्या करना मालूम है ना, जो भी decimal number आपको दिया था, वो decimal number को अपन क्या करना, 2 से LCM करना. जो भी LCM करने के बाद जो भी आपका reminders बच रहा, और reminders को नोटेट करना, ऐसा सब प्रोसेस कंटिन्यू करना लास्ट तक करके, नीचे से ऊपर जो reminders आ रहे हैं ना, लिखे ना, वो reminders को पूरा नीचे से ऊपर आप लिखे, तो वो आपका binary number बन जाता. ओके, सो द सेम थिंग आई विल एक्सप्लेन विद वन मोर प्रॉब्लम, सो यू विल गेट अ क्लैरिटी. सो अभी सर, अभी और एक प्रॉब्लम बोलो, तो सपोज एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग माई वन मोर प्रॉब्लम हियर. ओके, सो एक और एक प्रॉब्लम क्वेश्चन, कि क्या लिया मैं, 25 और कुछ लिखे, क्या करा, 10 इज इक्वल टू, ओके, बाइनरी नंबर क्या है, क्या करना अपन, सॉल्यूशन क्या करना मालूम है ना, एलसीएम करना. जो भी क्वेश्चन आपको दिया 25, 2 से एलसीएम करना. ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके, तो 2 12 जा 24 हो गया, बचा कितना, 1. जो बच रहा वो लिखना है यहाँ पे. नेक्स्ट 2 6 जा 12, कुछ बचा क्या, नहीं है. नेक्स्ट क्या है, 2 3 जा 6, कुछ बचा क्या, नो. 2 1 जा 2, मत 3 है ना, एक बच रहा वो लिखो. सो नीचे से ऊपर तक लिखो, नीचे से ऊपर नंबर्स लिखना. देयरफॉर क्या लिखना, 25 इन डेसिमल नंबर इज इक्वल टू बाइनरी नंबर इज 1 1 0 0 1. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. तो आपको डाउट आता, सर मैं करे सो प्रोसेस करेक्ट है, नहीं है, तो रिवर्स में करके देखना ना. अगर मैं ये क्वेश्चन दिया तो मेरे को आंसर कितना आना, 25. अभी क्या करें, तो अपन 25 दिया तो बाइनरी नंबर फाइंड आउट करें. अब मैं बाइनरी नंबर दिया तो 25 नंबर भी कर सकते ना, तो कैसा करना, ये ऑलरेडी मैं इससे पहले स्टार्टिंग वीडियो में बताया था आपको.
बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को सेम प्रोसेस अप्लाई करो. सपोज एग्जांपल 1 1 0 0 1, तो आपको चेकिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो. तो आप जो भी करें वो प्रोसेस करेक्ट रहोगे चेक करने के लिए. क्या बोला मैं, वो जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन क्या बोला मैं, 2 पावर 0 2 पावर 1 का बोला ना, या पे 1 2 4 8 16 लिखना, 16 into 1, नेक्स्ट 8 into 1, 4 into 0, 2 into 0, 1 into 1, सबको मल्टीप्लाई करो. 1 into 16 प्लस 1 into 8 प्लस 0 into 4 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 1 कितना हो गया, 16 1 जा 16 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 0, ये 0 हो गया. ये क्या है, ये भी 0 2 जा 0 प्लस 1 कितना हो गया, 16 प्लस 8 कितना 24, 24 प्लस 1 कितना 25, तो बराबर. सो जो भी अपन कन्वर्शन करे 100% करेक्ट है. तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं, ये चेकिंग प्रोसेस है. आपको डाउट कभी भी दिखा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अनु कंप्यूटर एजुकेशन.